किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। में स्वागत करते हैं फिर से एक बार, जहां हम लाते हैं पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। जी हां दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल 3 किस्त के रूप में 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि करोड़ों करोड़ों किसान भाइयों को इस बार हुई किस्त का इंतजार है। तो हम आपको बता दें, अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा किसान भाइयों को, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जल्द ही किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाली है। जी हां दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे कि किस डेट को, किस तारीख को किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। और हम आपको यह भी बता दें कि इन करोड़ों किसानों में से 70,000 किसान ऐसे हैं जिनका पैसा इस बार फंस सकता है। वैसे आपको घबराने की कोई बात नहीं, तो जान ले किन किन किसान भाइयों का इस बार पैसा फंस सकता है। तो आज हम आपको एक एक कर पूरी जानकारी देंगे। और हम आपको बता दें, किसान भाइयों के लिए एक और भी बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि सरकार किसानों को देगी बड़ी राहत और इस बार फसल नुकसान की होगी भरपाई और किसानों को दी जाएगी 20,000 रुपए की आर्थिक मदद। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन की घंटी दिख रही है उसे बजाकर और कमेंट बॉक्स में यस नो लिखना मत भूलना। अगर आपका KYC हो गया है तो यस नो में कमेंट जरूर करना। तो चलो हम बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी सारी जानकारी आपको देते हैं। तो हम आपको बता दें कि 70,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक KYC नहीं कराया है या उनके रजिस्ट्रेशन फीडिंग में कोई भारी मिस्टेक, जैसे कि नाम गलत होने पर या बैंक अकाउंट और आधार में नाम अलग अलग होने पर या बैंक अकाउंट डिटेल गलत होने पर या गलत एड्रेस होने पर, इन्हीं कारणों की वजह से इस बार उनका पैसा नहीं आएगा। तो हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक KYC नहीं कराया है या आप में भी रजिस्ट्रेशन फीडिंग में कोई भारी मिस्टेक हुई है तो प्लीज किसी नजदीकी जनसेवा केंद्र पे जाके आप उसका संशोधन जरूर करा लीजिए, जिससे कि आपको इस योजना का लाभ मिलता रहे और आपको कोई भी परेशानी न हो। तो हम आपको बता दें कि लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अक्टूबर महीने की किसी भी तारीख को 2,000 रुपए की 12वीं किस्त DBT के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो हम फिर मिलेंगे अगली नई जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।